किसी भी इंसान को आपका काम करवाने में मजबूर कैसे करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ धमका के मजबूर करो, अपने दिमाग से मजबूर कैसे करें। मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ कि आपके जो पड़ोस में गाड़ी है उसके नंबर मुझे दे दो या मुझे बताओ, तो आप नहीं बताओगे। अगर मैं यही बात चार दिन लगातार बोलूँ आपको, यार आपकी जो पड़ोस में गाड़ी है ना उसके नंबर बताओ, तो पाँचवें दिन आपके सामने से वो गाड़ी निकलेगी ना, तो आप उसकी गाड़ी के टायर पे या उसके बोनट पे या उसकी लाइट पे या उसके कांच पे आपकी नज़र नहीं जाएगी, सीधी नज़र उसके नंबर प्लेट पे जाएगी। और आप उस नंबर को नोट करके जब मैं पाँचवें दिन पूछूंगा तो आप मुझे बताओगे उस गाड़ी के ये नंबर है। तो मैंने आपको मजबूर कर दिया कि उस नंबर प्लेट पे ही आपकी नज़र जाए। अगर मैं आपको बोलता यार मुझे किसी भी हालत में उसके नंबर बताओ, तो वो बात इतनी नहीं होती। मैंने नॉर्मल तरीके से सिंपली चार दिन लगातार आपसे पूछा, तो आपका दिमाग उस समय वो गाड़ी निकली ना तब आपका दिमाग वहीं गया सिर्फ नॉर्मल तरीके से। तो कोई भी चीज़ में जिद मत पकड़ो, कोई भी चीज़ का दबाव मत करो, सिंपल तरीके से तीन चार बार वार कर दो फिर उस चीज़ को छोड़ो। जब भी उस इंसान के सामने वो चीज़ आएगी तो फट से वो आपका काम हो जाएगा। तो ये होता है एक साइकोलॉजी के हिसाब से किसी भी इंसान को अपने तरीके से काम करवाना। लोग ऐसे ही ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं यार, नॉर्मल ही हो जाता आपका काम बिना ज़ोर ज़बरदस्ती के भी।